हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ये दिवाली मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही इजी वे में मैंने क्रिएट किया है इसको और साथ ही बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स का भी यूज किया है और बहुत ही इजी है। और दिवाली का फेस्टिवल नाइट का होता है तो थोड़ा ग्लो करना बनता है। और हाँ, थोड़ा ना मेरा गला खराब है तो प्लीज आप मेरी आवाज को इग्नोर करना कि थोड़ी भारी सी आ रही है। तो और हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे मॉइस्चराइजर लगाने के साथ। मैंने स्किन को अच्छे से क्लीन करने के बाद और बायोटिक मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है। मॉइस्चराइजर बहुत ही मस्ट है स्किन के लिए। और अब तो सर्दियां शुरू हो रही हैं, तब तो और ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हर किसी को हो जाती है, तो मॉइस्चराइजर डेली बेसिस पे यूज करना बहुत जरूरी है। और मॉइस्चराइजर अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने एलोवेरा जेल यूज किया एज अ प्राइमर। उसके बाद से मैंने एलोवेरा जेल अच्छे से पूरे स्किन में अप्लाई करने के बाद और ओलिविया का पैन स्टिक लिया है, इसको भी मैंने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके लगाने के बाद हाथों की हेल्प से ही मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है नेक एरिया पे भी और पूरे फेस पे। इसके बाद हम लेंगे स्विस ब्यूटी का कंसीलर। तो इनको यूजुअल पॉइंट्स पे लगाएंगे, मतलब आईज के नीचे, नोज पे, चिन पे, माउथ के कॉर्नर्स पे और फोरहेड पे, आईलिड्स पे भी। तो इसको लगाने के बाद मैंने ब्रश की हेल्प से थोड़ा अच्छे से ब्लेंड किया है। और ब्रश से ब्लेंड करने के बाद मैंने हाथ से भी थोड़ा सा इसको अच्छे से ब्लेंड किया था। और यहाँ पे दक्षता खेल भी रही थी, इसीलिए मैं मोस्टली वॉइस ओवर पे ही बनाती हूँ ऐसे वीडियोस, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेचे पे बच्चों की होती रहती है। तो ब्रश से ब्लेंड करने के बाद मैंने हाथों से भी ब्लेंड किया था। और उसके बाद मैंने लैक्मे का रोज पाउडर यूज़ किया है फेस को सेट करने के लिए। इसकी हेल्प से मैं पूरे फेस को सेट कर लूँगी और आइज के आसपास भी। और इसके बाद से हम अपनी आईब्रोज को फिल करेंगे, तो इसके लिए मैंने ADS का आईब्रो पाउडर लिया है। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, आई थिंक आपको 100 या 120 मतलब 150 के अंदर ही आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे। तो इससे मैंने एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपनी आईब्रोज को फिल इन कर लिया है। मेरी आईब्रोज वैसे भी बहुत ही लाइट हैं तो इसको मैंने अच्छे से फिल कर लिया है। और फिल करने के बाद एक स्पूली की हेल्प से इसको ब्लेंड आउट कर लेंगे ताकि अच्छे से पूरा पाउडर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो आईब्रोज को अच्छे से फिल इन करने के बाद हम मूव ऑन करेंगे आई मेकअप की तरफ। और इसके लिए मैंने हिलेरी रोडा का पैलेट लिया है और इसमें से एक पिंक शेड लेकर के इसको डस्ट ऑफ कर लिया था मैंने ब्रश को। उसके बाद से आईज पे इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे और ध्यान रखिए कि आधी आईलिड्स पे ही आपको इसको अप्लाई करना है और बहुत ही लाइट हैंड के साथ। और इसके बाद से मैंने ADS का ही यही आईब्रो पाउडर लिया है और इसको एक इसके बाद मैंने ADS का आईब्रो पाउडर लिया है और इसको एक ब्रश की हेल्प से पूरे आईलिड पे, मतलब इनर कॉर्नर को छोड़ते हुए हाफ आईलिड से ज़्यादा, इसको मैंने इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने किया है। और ब्रश की हेल्प से ना इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होगा आपको, वरना फिर अच्छा नहीं दिखेगा, कोई भी हार्श लाइन दिखेगी। तो सेम मैंने दूसरी आईज पे भी ऐसे ही कर लिया है। फिर एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैंने अच्छे से सबको मर्ज कर लिया है। आप देखो कैसे मैंने किया है। और फिर मैंने एक हाइलाइटर लिया है और हाइलाइटर में से एक कॉपर शेड, ये आई ब्रश है मतलब आगे से ना बहुत ज़्यादा पतला है इसका टिप, तो इसकी हेल्प से मैंने हाफ आईलिड को हाईलाइट किया अच्छे से, मतलब डैब डैब करके और बिना डस्ट ऑफ करे मैंने किया है इस प्रोसेस को। बोथ आईज पे मैंने सेम प्रोसेस किया है हाइलाइटर की हेल्प से। आई मेकअप करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि इसको अच्छे से ब्लेंड ज़रूर कीजिए ब्रश की हेल्प से, वरना वो फिर अच्छा नहीं दिखता है।
और फिर ना मैंने इसी सेम आई शेडो पैलेट में से थोड़ा पर्पल सा शेड लेकर के अपने आउटर वी पे प्लेस करते हुए इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है दोनों आईज पे, और थोड़ा अच्छा दिखने लगा था इसके बाद से आई मेकअप। और इसके बाद से मैंने यूज़ किया है डेजलर आईटैक्स का आईलाइनर, ये इजीली 45 रुपीज से 50 रुपीज के अराउंड आपको किसी भी लोकल स्टोर पर मिल जाएगा। और इसकी हेल्प से मैंने एक अच्छा सा विंग ड्रॉ किया है, और वैसे भी दिवाली नाइट टाइम का फेस्टिवल होता है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा बोल्ड आईलाइनर भी, तो मैंने थोड़ा बोल्ड ही रखा था आईज को। तो आप देखो मैंने कुछ इस तरह से विंग आईलाइनर ड्रॉ किया है, ऐसे ही मैंने अपनी दोनों आईज पे आईलाइनर अप्लाई कर लिया था। तो आईलाइनर लगाने के बाद मैंने लगाया है मेबिलिन कोलोसल का मस्कारा, और मेरे पास डेजलर का भी था पर वो उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब वॉल्यूम नहीं मिलती है लैशेस को इसलिए, और ये कोलोसल का है, मेबिलिन नाम ही काफ़ी है वैसे, तो इससे ना बहुत अच्छे से लैशेस में वॉल्यूम आ जाता है आप देख सकते हो। तो इसको मैंने यूज़ किया था इस मस्कारे को। तो मस्कारा लगाने के बाद मैंने लगाया है काजल, और ये काजल मेबिलिन का है लेकिन एक साल पुराना है तो इसका प्रिंट वगैरह हट चुका है अभी। तो इसको मैंने अच्छे से अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर लिया है, और इसके बाद से एक आई शेडो पैलेट में से मैंने पिंक सा शेड ले करके और वाटर लाइन पर ही मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया स्मच करते हुए। और ऐसा करने से ना काजल भी मतलब स्मज नहीं होता है, कुछ इस तरह से मैंने आप देखो आई शेडो की हेल्प से मैंने इसको स्मज कर लिया है। आई मेकअप करने के बाद हम मूव ऑन करेंगे ब्लश की तरफ। तो ब्लश के लिए मैंने सेम आई शेडो पैलेट में से कुछ ऑरेंज पीच कलर का शेड था तो उसको मैंने एज अ ब्लश यूज़ किया है, और ये थोड़ा शिमरी शेड भी था। और ब्रश से लगाने के बाद मैंने हाथों से हल्का सा डैप कर दिया था, और इसके बाद हम लगाएंगे हाइलाइटर अपनी चीक बोन्स पे, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन और फोरहेड पे। और अभी मैंने एक आई ब्रश की हेल्प से अपनी नोज़ को और ब्रो बोन को हाईलाइट कर लिया है क्योंकि बहुत मोटे ब्रश से फिर नहीं हो पाता है, और इसी की हेल्प से मैंने क्यूपिड बो को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया है। हाइलाइटर के बाद हम लगाएंगे लिपस्टिक। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मी ऑन के लिप लाइनर से अच्छे से लिप्स को आउटलाइन बना लिया है, और मैंने लिपस्टिक यूज़ की है मेबिलिन की सेंसेशनल लिक्विड मैट इन द शेड टच ऑफ स्पाइस, आई थिंक मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा बट आई थिंक यही शेड है, और ये बहुत ही प्यारा सा पिंक शेड है न्यूड टाइप पे। तो आइज बोल्ड थी तो मैंने लिप्स को न्यूड ही रखा है, और फिर इसके बाद मैंने पहन लिए हैं इयररिंग्स, और ये मेरे सूट से बिल्कुल ही मैच करता हुआ इयररिंग था तो मैंने इसके साथ इसको पेयर अप किया था, और बिना बिंदी के ना लुक मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा अधूरा सा लग रहा था तो इसलिए मैंने एक छोटी सी बिंदी लगाई, और बिंदी लगाने के बाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। और ये दो टाइप के इयररिंग्स के मैंने पहने थे, आप देख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। और इसके अलावा ये है तीसरा हेयर स्टाइल सेम मेकअप के साथ, इसके लिए मैंने ना मिडल पार्टीशन करके बाल में से और हल्का सा ट्विस्ट करते हुए आगे से फ्रंट सेक्शन से हल्का सा ट्विस्ट करते हुए टिक टैक पिन की हेल्प से मैंने इसको सिक्योर कर लिया था, और हल्की सी लट निकाल ली थी बहुत ही हल्की सी। और ये ना चोकर सेट इयररिंग्स और मांगटीका का सेट था, इसके साथ भी ये लुक बहुत अच्छे से जा रहा था। तो ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक, मैंने मांगटीके के साथ भी इस लुक को आपको दिखा दिया है, और
विदाउट मांग टीका भी कुछ ऐसा है ये, तो आप चाहो तो कैसे भी कैरी कर सकते हो। सेम इसी लुक को आप साड़ी के साथ भी कैरी कर सकते हो, बिंदी थोड़ी बड़ी करके। बिना बिंदी के नहीं अच्छा लग रहा था ये लुक, या शायद फिर मेरे फेस पे मतलब बिना बिंदी का कोई लुक नहीं अच्छा लगता, तो मैंने एक छोटी सी बिंदी लगा ली है। और शायद ब्लैक के साथ ज्यादा अच्छी लगती, पर मेरे पास ब्लैक बिंदी नहीं थी, तो मैंने मेहरून कलर की छोटी सी लगाई है बिंदी। और आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।